दिल्ली से खबर आ रही है, दिल्ली हाईकोर्ट से सेंगर को राहत, पीड़िता को जुर्माना देने की बढ़ाई तारीख। कोर्ट ने 60 दिन का सेंगर को दिया समय, पीड़िता को 25 लाख मिलना है जुर्माना। हाईकोर्ट ने सीबीआई को जारी किया नोटिस, कुलदीप सेंगर की याचिका पर मांगा जवाब। सेंगर ने 30,000 के फैसले को दी थी चुनौती। गगन जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी इसी खबर में ज्यादा जानकारी लेते हैं। गगन, सेंगर को राहत मिली है थोड़ी? देखिए बिल्कुल, इसे थोड़ी बहुत राहत कह सकते हैं कि जिस तरह से दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंगर को 60 दिन का समय दिया है, जो कि 25 लाख का जुर्माना पीड़िता को देना था, उसको लेकर राहत भी है। साथ ही साथ जो कुलदीप सेंगर ने याचिका की थी कि उनकी जो उम्र कैद है उसको उस पर फिर से पुनर्विचार किया जाए, उसको लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई को एक नोटिस जारी किया है। और जो कुलदीप सेंगर ने याचिका की है उस पर सीबीआई से जांच मांगी है, सीबीआई से पूरी जो जांच रिपोर्ट है उसको तलब किया है। बता दें कि जिस तरह से विधायक कुलदीप सेंगर थे, बीजेपी से निष्कासित हो गए थे, उनको बीते 20 दिसंबर को निचली अदालत ने उम्र कैद और 25 लाख का जुर्माना की सजा सुनाई थी, जिसको लेकर कुलदीप सेंगर ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और पुनः याचिका की थी कि उनकी जो राहत दी जाए, उनको जो सजा सुनाई गई है उसी को लेकर आज दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला आया, जिसमें थोड़ी बहुत राहत भले कुलदीप सेंगर को मिली हो, जिसमें जुर्माना जो राशि है उसको उसकी मियाद जो है वो 60 दिन और बढ़ाने की आदेश दिया है। फिलहाल सीबीआई अपनी जांच रिपोर्ट कब सौंपता है दिल्ली हाईकोर्ट को, ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल थोड़ी बहुत राहत की बात मान सकते हैं। नजर बनाए रखिए गगन, फिर आएंगे आपके पास अपडेट के लिए। थोड़ी बहुत राहत मान सकते हैं सेंगर, मान सकते हैं सेंगर ने 30,000 कोर्ट के फैसले को चुनौती दी। दिल्ली से खबर आपको बता रहा है, हाईकोर्ट से कुलदीप सेंगर को राहत थोड़ी सी, पीड़िता को जुर्माना देने की बढ़ाई गई तारीख।